वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष दे में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फ्रेंड्स, अगर आप पीएफ एम्प्लॉय हैं और आपका पीएफ में कंटिन्यू पैसा किसी भी कंपनी के थ्रू हो या किसी के भी द्वारा आपका पीएफ में पैसा जमा हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पीएफ अमाउंट कितना है, मेरा मतलब आपका पीएफ में कितना पैसा जमा हुआ है, तो फ्रेंड्स इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और सिंपल सा ट्रिक्स है जिसे आप देख के अपना पीएफ अमाउंट जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल में फ्रेंड्स आपको ईपीएफओ लिख के टाइप करना होगा। फ्रेंड्स, टाइप करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा ईपीएफओ मेंबर पासबुक। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपना जो पीएफ का कुल अमाउंट जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा पीएफ का पोर्टल पेज। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स देखने को मिल जाएगा यूएन नंबर, मेरा मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। आपका जो पीएफ में यूएन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स पासवर्ड डालना होता है और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये कैप्चा कोड को इसमें फिलअप करना होता है और उसके बाद फ्रेंड्स लॉगिन कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पहले अपना यूएन नंबर जो है वो यहाँ पे टाइप करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जो कि यूएन नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर दिया है। टाइप कर देने के बाद फ्रेंड्स अब आपको करना क्या है, आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए हम लोग पासवर्ड को भी टाइप कर लेते हैं। पासवर्ड टाइप कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ये कैप्चा कोड को आपको यहाँ फिलअप कर देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कैप्चा कोड को भी यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। फिलअप कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, लॉगिन वाले जो बटन दिख रहे हैं ये लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ईपीएफओ का जो पेज है फ्रेंड्स इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ दिख जाएगा फ्रेंड्स आपका यूएन नंबर और पैन नंबर, यहाँ पे आपको दिखा हुआ भी मिलेगा फ्रेंड्स वेलकम, आपका जो नाम है फ्रेंड्स वो आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या है, सिलेक्ट मेंबर आईडी जो दिख रहा है यहाँ पे आपको सिलेक्ट मेंबर आईडी कर लेना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपना मेंबर आईडी जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा व्यू पासबुक न्यू ईयरली, मतलब ये करंट का आपका दिखेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको व्यू क्लेम स्टेटस, मतलब आपने अभी तक कुल कितने क्लेम किए हैं, मेरा मतलब कि आप पीएफ से कितने बार पैसा एडवांस में ले चुके हैं, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां से आपको देखने को मिल जाएगा व्यू पासबुक ऑल फुल, मतलब अभी तक आपका पैसा कितने बार जमा हुआ है यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग व्यू पासबुक पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि हमारा न्यू ईयरली में कितना क्या है। तो यहां पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब आप किस साल का देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना साल हुआ है उस साल में आपको यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अपना यहाँ जो न्यू ईयरली है उसको ही सिलेक्ट करके देख लेता हूँ। यहाँ से चलिए मैं अपना ईयर है उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका कुल कितने बार पीएफ में जमा हुआ है, आपका पीएफ अमाउंट कुल कितना है, फ्रेंड्स आपको यहां से सब दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा ईयर का देखना है तो फ्रेंड्स यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा व्यू पासबुक ऑल फुल, तो फ्रेंड्स यहां इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा फ्रेंड्स आपका शुरू से लेकर अभी तक कुल कितने अमाउंट जमा हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहां से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका टोटल ईई बैलेंस, मतलब आपका खुद का पैसा कितना जमा हुआ है, आपके कंपनी आपको कितना पैसा जमा किया, आपका पेंशन में कुल कितना जमा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहां से आप सारा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स
आपको इस तरह से फॉलो करके आपको आप यहां से अपना पूरा पीएफ का पैसा देख सकते हैं कि आपके पीएफ में कुल कितना अमाउंट जमा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपका ज़्यादा अमाउंट है तो आपके पास इस तरह का पेज भी दिख जाएगा जहां पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा पेज वन पेज टू। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना पीएफ अमाउंट को देख सकते हैं बारी बारी से, पेज वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपको डाउनलोड भी करना है तो डाउनलोड पासबुक वाले जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये डाउनलोड पासबुक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग अपना पीएफ में अमाउंट को चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आ गया है और बहुत ही आसानी से आप अपना पीएफ अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।